बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लाइव फीड में रातों रात जिया शंकर का हो जाएगा मिडवीक एविक्शन। आइए जानते हैं मिडवीक एविक्शन के बारे में इस शॉकिंग न्यूज को। वेल गाइस, आप सभी को बता दूं कि फाइनली बिग बॉस के घर में मिडवीक एविक्शन को लेकर लगातार काफी दिनों से खबरें आ रही हैं और फाइनली आज ही वो दिन आ चुका है, क्योंकि आज ही के आज फाइनली तीनों नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट में से एक कॉन्टेस्टेंट का पत्ता हो जाएगा बिग बॉस के घर से हमेशा के लिए कट। अगर बात वोटिंग ट्रेंड्स की तो नंबर वन की पोजीशन में एल्विश यादव टिके हुए हैं विद, आपको बता दूं कि उनकी जबरदस्त वोटिंग ट्रेंड्स, जहां 60,000 से भी ऊपर उन्हें वोटों के आंकड़े अभी फिलहाल उनके लेटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर हैं मनीषा रानी, जिन्हें लगभग 30,000 कुछ से भी ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं। वहीं बात करें जिया शंकर की तो थर्ड पोजिशन पर जिया शंकर को लगभग 26,000 कुछ वोट्स मिल रहे हैं, यानी कि सबसे लीस्ट वोट्स जो है वो जिया शंकर को ही मिल रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो वेल एल्विश यादव को तो कोई भी बिग बॉस के घर से बेघर नहीं कर सकता। इसके अलावा मनीषा रानी भी काफी अच्छा जा रही हैं और इन्हें वोट्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। उस हिसाब से सेकंड नंबर पर मनीषा रानी के भी एविक्शन के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन थर्ड नंबर पर है जिया शंकर और खबरों की माने तो उन्हें कम वोटों के बेसिस पर बिग बॉस के घर से रातों रात कर दिया जाएगा बेघर। तो काफी बड़ा झटका लग सकता है आप सभी को अगर आप सभी जिया शंकर के फैंस हैं, क्योंकि लगातार उनके वोट्स काफी ज्यादा कम हैं। हालांकि सुबह से लगातार जिया कोशिश कर रही हैं अपने वोट को बढ़ाने के लिए, वो फुकरा इंसान के इर्द गिर्द घूम रही हैं, उनके करीब जा रही हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता रही हैं, लेकिन देखा जाए तो लगता है ये सारे ट्रिक्स काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिया शंकर फिलहाल नंबर थर्ड पोजिशन पर है, वो भी इतने कम वोटों के साथ। तो वेल आप बताएं कि मिडवीक एविक्शन के शिकार जिया शंकर के बारे में ये सुनकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको, वाकई जिया शंकर ही हो जाएंगे मिडवीक एविक्शन की शिकार? डू लेट अस नो योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन।